आई द्वारा आयोजित इस हिंदी वेबिनार श्रृंखला के पाँच सेशन में आज हमारे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ होम्योपैथ हमारे साथ हैं डॉक्टर जेडी दरियानी और इनका छोटा सा परिचय देने के लिए मैं हमारे दूसरे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण भास्मे सर जी को अनुरोध करूंगी कि सर का इंट्रोडक्शन वो करें और आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर दरियानी को इन्वाइट करें डॉक्टर अरुण जी सर एक जी। एक मिनट मिनट महाराज आप मुझे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे मैं तो चेला हूँ आपका <laughs> चेले को कभी इंट्रोड्यूस की जाती है क्या सर 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 एक मिनट के हेलो शैलजा हेलो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग डॉक्टर निशांत हेलो मैडम गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग एवरीवन मेरे ख्याल है रहने दो मेरा हो गया परिचय uh, मेरा परिचय हो गया इंटरनेशनल फोरम फॉर होम्योपैथी के तत्वाधान में आज uh, डॉक्टर जेडी दर्यानी जी का यहाँ वेबिनार में एक uh, स्पीकर के रूप में आज शामिल हुए उनका मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जे डी दरियानी सर के बारे में अभी परिचय कराना बोले तो सूर्य को दीपक जलाने जैसा दिखाने जैसा बात होगी डॉक्टर दरियानी जी को कौन नहीं पहचानता पूरे देश में आ, आ, बाहर भी फॉरेन में भी डॉक्टर तो भी एक नए जो लोग पे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं छोटा सा शॉर्ट उनका परिचय देना चाहता हूँ शुरू में मैं आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे सीनियर हमारे सहकारी श्री डॉक्टर एस एम सिंह जी राजेंद्र वाही जी हमारे लक्ष्मण शर्मा जी और इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर श्री एम के सर और काफी अब नेहा कक्कर जी भी है और निशान भी है दरिया निशान दरियानी उन सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और डॉक्टर जे डी दरियानी सर जो है अभी बात हमारी परसों चल रही थी डॉक्टर अनिल भाटिया जी की उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक वेबिनार लिया था तो उसमें मैं जिक्र किया था कि पूरे देश में जब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होम्योपैथी की स्टार्ट हुई तो वो पहले जो था कॉलेज एमपी के कॉलेज राजस्थान जयपुर का कॉलेज था और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टार्ट हुई थी और उस टाइम वहाँ के जो डीन थे और प्रिंसिपल थे डॉक्टर जे डी दरियानी सर थे और उस टाइम यूनिवर्सिटी के भी डीन वही थे डॉक्टर पाल साहब के नेतृत्व में उन्होंने वहाँ पीजी शुरू किए थे और उनका अनुकरण करके हमने भीड़ में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्टार्ट किया दरिया सर काफ़ी बार भीड़ में एज ए स्पीकर एज ए एग्जामिनर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के लिए आए हैं और काफी उनका मार्गदर्शन हमारे बच्चों को स्टूडेंट्स को मिला था डॉक्टर जे डी दारा ने सर आ, मैंने पहले ही बोला कि वहाँ के एम पी के राजस्थान होम्योपैथी जो कॉलेज है वहाँ वो प्रिंसिपल थे उन रिपोर्टरी सब्जेक्ट में उन प्रोफेसर थे एच ओ डी थे और वहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी थी राजस्थान वहाँ भी वो डीन के रूप में उन्होंने कार्य किया है और गवर्नमेंट ऑफ रिसर्च सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी के अंदर जो ड्रग पॉइंट की सब कमेटी थी उसके भी वो चेयरमैन रह चुके हैं और आ, मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ आयुष जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उसमें भी वो अभी मेंबर है एकेडमिक काउंसिल ऑफ होम्योपैथी यूनिवर्सिटी जयपुर के भी वो मेंबर है और उनको उनको कार्य के देखकर काफी आ, उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं उसमें से मैं कुछ आ, पढ़ना चाहता हूँ डॉक्टर डी पी रस्तोगी मेमोरियल अवार्ड जो उनको 2011 और 2017 में मिला था डॉक्टर बी के बोस मेमोरियल बेस्ट नेशनल होम्योपैथिक टीचर्स अवार्ड दो में मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ट्वेंटी ऑल इंडिया होम्योपैथी कांग्रेस जो दिल्ली में 16 दिसंबर 2023 की हुई थी उसके पहले <coughs> उन्होंने बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दिल्ली में भी कुछ uh, उसमें एज uh, ए मेंबर बोल के काम किया एम्स न्यू दिल्ली में भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन पर काम किया नाइन्थ नेशनल होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस दो आगरा में भी उन्होंने सहभाग uh, लिया था हैज अटेंडेड एंड प्रेजेंटेड साइंटिफिक पेपर सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूडिंग यूएसए बेल्जियम दुबई फ्रांस जर्मनी मलेशिया रशिया सिंगापुर एक्सेट्रा एक्से मैं इस uh, आ, इस वेबिनार के आयोजन के तरफ से मैं दरअसर का स्वागत करता हूँ और आ, उनका रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपका वेबिनार जो टॉपिक दिया है आपका आप वो शुरू करें धन्यवाद मैं सर का टॉपिक बताना चाहूंगी सर का टॉपिक है सामान्य मानसिक विकारों में होम्योपैथिक हम मतलब होम्योपैथिक मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं उसके ऊपर सर आज हमारे को नॉलेज शेयरिंग करेंगे तो वेलकम सर सबसे पहले मैं अपने इस गुरुकुल के आचार्य साहनी सर को प्रणाम कर रहा हूं इस गुरुकुल की एक परंपरा रही है कि विद्या दान करें अनुष्ठान अनुशासन वो समय का अनुशासन उनका बड़ा बड़ा महत्व तो रखता है ये गुरुकुल की परंपरा का एक स्तंभ है कि मेरे को भी अभी मना कर देंगे कि अब आपका टाइम हो गया पहले मैं नाराज़ होता था लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि ये अनुशासन पालना जब तक नहीं होती तब तक कोई माहौल तो इस था था। मेरे दूसरे गुरु जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ वो है मेरे डॉक्टर एस एम सिंह जो अमिताभ बच्चन जैसे लगते हैं अलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं चलते फिर टी मेट्रा मेडिका है वो डॉक्टर दुबे सर की कॉपी पला पेज ये लाइन और इसमें से नीचे से ये देख लो भस्मे जी ने और क्या नाम है सहानी जी ने दोनों ने मिलकर एक ऐसा बाब बना रखा है कि जहां यंगेस्टर्स को आगे ले आते हैं आगे लाते हैं और इस गुरुकुल के अंदर भी यंगेटर्स ही शिक्षा प्राप्त करते हैं हम तो अपना फर्ज में हैं। दूसरा मेरे ऊपर मेहरबान हैं डॉक्टर वा, डॉक्टर हम बच्चों को अपने साथ लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि आज का भविष्य कल का भविष्य आज हम हैं कल का भविष्य ये लोग होंगे नेहा मैंने आप पहले मैं कंप्लीमेंट दे चुका हूं मैं ज्यादा टाइम ना तो आप मैंने आपको कई बार कंप्लीमेंट दिए हैं मैं अपना चालू कर रहा हूं आज, अपने श्रदेव गुरु जी को प्रणाम करते हुए आगे चाहूंगा कि मैं अपना उद्बोधन चालू रखू मैं ये मानता हूं कि आज के परिपेक्ष में बीमारी का रूप बदल गया पहले बुखार खांसी जुकाम वायरल बैक्टीरियल और ये सब चीजें होती थी हर एक इलाज जानता था साइन एंड सिम्टम्स इन्वेस्टिगेशन और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वगैरह ये सब होता था लेकिन एक बड़ी स्थिति दयनीय स्थिति हो गई कि ये सब कुछ छोड़ करके आज हम लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं जिस लाइफ स्टाइल को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न Modern. अब इस मॉड का मतलब क्या ये मॉड का मतलब है कि आधुनिक शैली आधुनिक जीने की शैली अब आधुनिक जीने की शैली क्या है मॉडर्न लाइफ स्टाइल अब इसके वजह से मानसिक रोग की उत्पत्ति शुरू हो गई है और इस कदर हो गई है कि घर में अगर पांच यूनिट है या पांच मेंबर हैं तो उनमें से भी किसी न किसी को मानसिक विकार होगा अब सवाल आता है कि ये इतना मैं क्यों बोल रहा हूं मानसिक विचार विकार का मतलब आज हमारा दूषित है वो पोल्यूशन में है लेकिन जो हमारे काम करने की रफ्तार है और शांति दिमाग शांति नहीं है हमारा वन सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है बल्कि भागो भागो और लो और लो और नाउ इस चीज को लेकर के मैं आज आपके सामने बैठा हूं और इतना बीच में जरूर कहूंगा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स और इसका सिनोनिमस जो आधुनिक वर्ड है टर्मोलॉजी है वो कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अब वो डिसऑर्डर्स तो रहेगा लेकिन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहलाएगा खैर आगे बढ़ रहा हूं मैं ये स्लाइड देखिए जो मैंने डब्ल्यू एच ओ के साइट से डाउनलोड की है इसमें हर आठ या दस शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है होता है में... कभी कभी ग्रह कुछ ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपसेट करते हैं आठ व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिक विकार का है नेक्स्ट मैंने जैसे पहले कहा ग्रोइंग स्टरलाइज standardization, growing industrialization and urbanization. shari karan has changed our lifestyle. next, we have shifted abham or pehle kya the, simple or peaceful life, style. Thi आज क्या है मॉडर्न लाइफ स्टाइल अब मॉडर्न लाइफ स्टाइल है क्या फास्ट स्पीडी टाइम रनिंग ऑलवेज रनिंग टाइम नहीं है अब हमारे एस एम सिंह जी की सुबह से लेकर रात के दस बजे तक की अगर लाइफ देखें तो पांच मिनट बात करने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास ऑलवेज रनिंग नो टाइम नो टाइम अरे प्यार मोहब्बत खत्म हो गई अब तो ये टाइम नहीं है टाइम नहीं है बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दिस उस सर। अब लास्ट में जो एक खास बात आ रही है ये सब क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि कंपटीशन हर चीज में कंपटीशन आज स्कूल के बच्चे को भी एडमिशन करानी है शुरू में तो जब आपके मैट्रिमोनियल मैटर्स फाइनल हुए थे उस समय से प्लान करना पड़ता है कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालेंगे तो फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उसके अपग्रेडिंग के लिए घर में ट्यूशन चालू हो जाती है और उस कंपटीशन में नहीं इस स्कूल में नहीं सिलेक्शन हुआ इसमें हुआ इसमें हुआ उसमें इस हुआ, इस हुआ और एक कंपटीशन की वजह से आज देखेंगे इस चीजें थोड़ी सी बदली जा रही हैं और बदल बदलने के बाद में वो रूप आ रहा है सेल्फ सेंटर्ड अपने पर से दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं कंपटीशन में अगर दूसरे का सोचेंगे तो वो धक्का मार के मेरे को पीछे कर देगा मैं उसको धक्का मारूंगा और आगे बढ़ूंगा ये कर रहे हो ठीक है तुम अपना काम करो हाई एम्बिशंस मैं आगे बढ़ू मेरे को ऊंचा पद मिले मेरे को पावर मिले मेरी और चीज सिलेक्शन हो जाए तो नाउ हाई एम्बिश पोजिशन पावर और इंक्रीजिंग मेटेलिस्टिक नीड्स बंगला भी हो गाड़ी भी हो, भी हो ये भी हो ये भी हो ये भी हो सोने की चेन भी हो प्लेटिनम का मेरे ब्रेसलेट हो यानी इसके पीछे बढ़ते जा रहे हैं अब वो चीजें आएंगी कहाँ से पैसे से पैसा कहाबह से आएगा कमाने से कमाएंगे कैसे सुबह रात तक एक घोड़े के गधे के जैसे हम चल रहे हैं सोएंगे थोड़ी देर के लिए बीच रात में फिर ध्यान आता है तो हमारी मानसिक संतुलन हमारा मानसिक विचारधारा बदल गई जो पहले शांत रहती थी बड़े आराम से उठते थे बड़े आराम से पूजा करके घर से निकलते अब भागो अब चलते हुए भी फोन गाड़ी के अंदर यू करके बात करते हुए चलते यानी डूइल माइंडेड नेक्स्ट वी हैव शिफ्टेड टू नेक्स्ट प्राइज वी पेइंग अब हमको क्या मिल रहा है उसकी एवज में मिल तो रहा है क्या मिल रहा है डिसअपॉइंटमेंट सेलेक्शन नहीं हुआ डिसअपॉइंटमेंट फेल्योर इमोशनल ट्रॉमा आज इमोशन लेस होता जा रहा है पर्सन जिस किसी में भी जीव जो भी जीव है वो इमोशंस है उसमें इमोशन लाइफ का सबसे बहुत बड़ा पार्ट है और यूं कहिए कि हमारे होम्योपैथी में माइंड को सरो पर माना गया है और माइंड के अंदर भी सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो कंट्रोल कर रहा है जो हमारी मन की भावनाओं को समझ रहा है दिखाई नहीं देती लेकिन समझ रहा है रेगुलेट कर रहा है इमोशन और इसमें भी इमोशंस ट्रामा नॉट गुड emotions बट ऑलवेज bad इमोशन which टाइप ऑफ अरे यार इसको मैंने पैसे दिए थे भला आदमी समझ के अब इसने मुझे धोखा दे दिया कदे मैं मेरे को कभी मैं नहीं दे सकता ये जा रहा था एग्जाम के लिए किसी दूसरे ने इसकी जेब काट दी कहीं एग्जाम के लिए कंपटीशन में जा रहा था किसी दूसरे की सिफारिश मिल गई मैं रह गया और सप्रेस्ड तो उसकी वजह से मन में ट्रॉमा होता है यार दस बार तो अपियर हो गए फिर भी अभी तक सक्सेस नहीं हुए और आज कॉरपोरेट सेक्टर हो गया कॉरपोरेट सेक्टर में क्या होता है मिस्टर मैं देख रहा हूं आजकल आपका काम में ध्यान नहीं है सबके बीच में कहा जाता है आज आपका टारगेट हमने एक हफ्ते के बाद देखा है तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं अगर ये वार्निंग है नेक्स्ट टाइम पर अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम आपको अलग कर देंगे नाउ दिस इज सबके बीच के अंदर ह्यूमिलिएशन हो रहा है चाहे मेरे घर की परिस्थिति कुछ भी हो मेरी सोशल बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो क्स्ट इफ एनी इफ एनी मतलब अगर इनमें से कोई इन सब में से कोई अगर इसको कोप अप नहीं कर पाता मेंटल पेस नहीं बना पाता तो क्या होता है मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डेवलप होते हैं कहाक्टीरिया है कहा है Virus. Next. Next. Now, what are the different types of mental disorder There are a number of different types. Most common and among all are the anxiety disorders, depression anxiety are again of different types depression is again of different types post traumatic stage autism ADHD, OCD eating habit. or these are number of the disorders now right in our among them in sub in some जो बना हुआ है उन सब में मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर क्या है आज के लिए इन इस टाइम के लिए एंजाइटी और दूसरा क्या है डिप्रेशन छोटे बच्चे स्कूल वाले को भी डिप्रेशन बड़े को भी डिप्रेशन अडल्ट को भी डिप्रेशन और एंजाइटी नेचर बढ़ती जा रही है क्या हुआ क्या हुआ क्या होगा अब क्या होगा ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मैं माफी चाहूंगा मैं यहाँ खत्म कर रहा हूं इसके बाद में मैं अपने केसेस को लेके चलूंगा थोड़ा सा केसेस दो चार एक्सप्लेन करने हैं मतलब कहने का ये था कि मेरे से सवाल पूछा गया था मेरे बच्चों ने व्हाट इज टू बी सीन इन केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बुखार खांसी जुकाम में मालूम है थर्मामीटर लगाएंगे बुखार कब बना पानी की प्यास है या नहीं है दिसंत है लेकिन सर हम मेंटल के डिसऑर्डर को समझें कैसे ये तो मालूम है कि इसको दुख हुआ है पर उस दुख को अस कैसे करें मेरे गुरुदेव ने मेरे को एस एम सिंह जी ने समझाया कि जो कोर है सेंटर न्यूक्लियस है उस पर उंगली रखो यानी कॉजेशन को टच करो कॉजेशन क्या है एलिमेंट्स फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है ह्यूमिडेशन एंगर सप्रेस्ड एंगर रात को मियाँ बीबी में लड़ाई हुई दोनों ने कहा सुनी हुई एक ने मुंह उधर फेर दिया एक इधर फेर एक को नींद आ गई और दूसरा सिस्किया भर रही है अब बताइए दोनों ही व्यक्ति एक घर के हैं एक शरीर के दो अलग अलग रूप है रूप हैं लेकिन एक का इमोशन कैसा है सो गए दूसरे का इमोशन कैसा है सिस्किया ये क्यों हो रही है सिस्किया ज्यादा इमोशनल हर्ट हुआ तो टॉलरेंस लेवल हरे की अपनी अलग अलग है जो मैं आगे सोचूं दूसरा हमको मालूम करना चाहिए कि ऑनसेट कैसा है सडन है या ग्रेजुअल है तो इसलिए हम पूछते हैं कि कब से है तकलीफ आपको और थर्ड एक्सप्रेशन जो कुछ भी है उसका दिखाई क्या दे रहा है आपको समझ में क्या आ रहा है तो कोई पैरामीटर नहीं है जिस पे एक्सप्रेशन को नापा जाएगा ये खुद की नॉलेज है आपका स्किल है आपके एक्सपीरियंस है कि सब्जेक्टिव सिम्टम की बजाय आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मरीज जैसे ही अंदर चैम्बर में आता है हमारा केस टेकिंग चालू हो जाता है हम देखते हैं कि कैसे आया बार में बैठा आके मेरे अंदर केबिन में आया तो किस ढंग से अपने आप को पेश कर रहा है और लास्ट में मॉडलिटीज डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है लेकिन ये जब घर पे आता है ना हॉस्टल से आके यूं दुखी होता है इसलिए घर से बाहर निकलता ही नहीं है लेकिन हॉस्टल में जाके रहेगा तो घर आने का नाम नहीं लेता ना टू घर में रहता था जन्म हुआ बड़ा हुआ पला पोसा अब घर में इस दुखी क्यों हो रहा है वो घर में रहना क्यों नहीं चाह रहा है और हॉस्टल में क्यों जाना चाह रहा है और थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता है कहता है कि मैं जा रहा हूं अपने नाउ मॉडलिटीज में यह है कि वह ही कम्स टू होम अब होम में क्या है घर में क्या है शायद पापा का डर लगता है या वो उसको टोकते होंगे मम्मी का डर है या वो उसको टोकते होंगे और थोड़ी सी गुस्ताखी मेरी जरूर रहेगी आप यंगेस्टर्स बैठे हैं कोई सामने आसपास कुछ ऐसा होगा जिससे कुछ एक इंटरनल कनेक्शन बन गए होंगे वो दिखाई देगा और उसने मुंह फेर के दूसरा रास्ता बना लिया वो भी एक वजह है तो नाव ये एक रिएक्शंस होते हैं मॉडलिटी को कंसीडर किया जाते हैं कुल मिला के निचोड़ ये होगा और मैं अपने पचास साल से ज्यादा की प्रैक्टिस के अनुभव से कह रहा हूं इस तरह के जो पेशेंट आते हैं उसमें से फिफ्टी परसेंट विदआउट पेशेंट होते हैं सिर्फ उनके अटेंडेंट आते हैं अजी हमारे घर में एक है ऐसा हो गया उसको पड़ा और बेहोश पड़ी या वो रोई रोई रही है अब आप क्या करोगे यही तो पूछोगे क्यों क्यों के बाद कैसे और कब से तो ये क्यों कैसे कब से तो कॉज को पहले टच कर रहे हो फिर आपने ऑनसेट को देखा और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो बोल रहा है कुछ पेशेंट मरीज अटेंडेंट के साथ आते हैं उसमें तो साफ पता लग जाता है लेकिन दो तरह के मरीज को थोड़ा सा अगर हम मेडिकली साइंस में जाए तो एक क्रॉनिक एक्यूट के अंदर पेशेंट बहुत कम आते हैं उनके अटेंडेंट ही आते हैं उनके घर वाले ही आते हैं क्रॉनिक के अंदर मरीज खुद भी आता है और उसके साथ घर वाले भी आते हैं लेकिन अगर क्रॉनिक में भी एक्यूट स्टेज आ गई आज ये हुआ तो भी शायद नहीं आते तो भी सुनना पड़ता है कि ऐसा हो गया अदरवाइज तो आ जाते पर आज ऐसा है तो ये चीज हमारे पर करती है कि हमको अगर की पॉइंट मिल जाए क्या एक्सप्रेशन है क्या हो रहा है और कैसे हुआ यानी कॉजेशन ये सिस्टम को जो हम समझ लें उसको फॉलो कर लेंगे हो सकता है कि उस समय दो चार डोज दे के उसको कहा जाए कि आज ये दे दीजिए फिर इसके बाद बता दीजिएगा नेक्स्ट इन केस फिजिशियन शुड नो पेशेंट्स इमोशनल स्टेट यूजुअल रिएक्शन यूजुअल रिएक्शन नॉट रिएक्शन बट यूजल अक्सर स्ट्रेस पर कैसे रिएक्ट करता है एंड कोपिंग एबिलिटी दो अलग अलग चीजें नहीं है बल्कि एक ही है रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड कोपिंग एबिलिटी जितनी ज्यादा कोपिंग एबिलिटी होगी उतना आप बर्दाश्त करते जाएंगे जितनी कोपिंग एबिलिटी कम होगी उतना जल्दी उफान खाए। थ्रज़, थ्रज़ मैं बताता हूं और दूसरा कहेगा यार अब करते हैं ना इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो अब सवाल यह है कि ये घर में कैसा है और बाहर कैसा है घर में तो हल्ला मचाता है लेकिन बाहर जाया क्या नाम है बेटा बेटा क्या नाम है गर्दन नीचे नहीं कुछ नहीं मैंने सुना तुमने अपने मम्मी को शिकायत की है कि हम तेरे को डांटते नहीं मैंने कहा नाउ दिस घर में कैसा है बाहर कैसा है नेक्स्ट पानी का घूम दे दू मैं पहला केस दे रहा हूं मैं सिंपल से चलूंगा मेरे ख्याल में जिन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था वो लोग सब यहां मौजूद होंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंजाइटी ये तो इंग्लिश का टर्म हो गया मेडिकल टर्म क्या कहलाता है पेरिनेंटल पेरिनेंटल जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जर्नलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर जी ए डी पेरिनल इसलिए हो गया कि पहली बार मल्टीग्रेविडा प्राइमी ग्रेविडा मिसी टू प्राइमी ग्रेविडा केयरिंग थर्टी थ्री इन प्रेगनेंसी सफरिंग फ्रॉम रिकरिंग एपिसोड ऑफ एंग्जाइटी फॉर लास्ट वन मंथ अपॉन ट्रीटमेंट यानी एंटी एंगजाय मेडिकेशन इज गिविन

Is there any medicine in homeopathy for easy parturition I said, kya bol rahe hain sir aap Is there any medicine in homeopathy for parturition turition मेरे को गुस्सा आ रहा था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बात कर रहा है। But he was senior person. I replied, yes, sir. है और जब तक वो दूसरा क्वेश्चन पूछे मैंने फट जने से एक लाइन जोड़ दी बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट अरे क्या वो ही समझते क्या हम बेवकूफ हैं हम नहीं समझते नेक्स्ट देन ही एक्सप्लेन खुद नहीं अब तक नहीं बता रहा था खुद नहीं बोलना चालू किया अबाउट हर डॉटर्स एंगजाइटी एपिसोड वो मैं अपनी डॉटर के बारे में बात करना चाहता हूं आई अशोड हिम आई विल कम टू योर हाउस टूडे मीट योर डॉटर एंड डू एवरीथिंग इन बेस्ट पॉसिबल वे सोचिए उनका मन कितना खुश हुआ होगा कि डॉक्टर साहब घर पे आएंगे देखने चलिए नेक्स्ट अब हम घर गए बजाय उनका मकान पहले पड़ता है मेरा मकान बाद में पड़ता है गाड़ी तो वो ही रास्ता जाने का तो हम रुक गए वहां से फोन कर दिया कि हम यहां से गुजर रहे हैं अभी पांच मिनट में आ जाएंगे आप गेट पे मिल जाइएगा गए हिज डॉटर हर सेल्फ वॉज अनालॉजिस्ट सी एस एम सिंह बताते हैं डायरेक्टर साहब आए और ये किया और सब ठीक हो गए मेरे को प्लॉट अलॉट कर दिया मकान कर दिया गाड़ी ये दे दी यार हम कम नहीं है हम भी आपके चेले हैं अब वो गायनोकोलॉजिस्ट को ठीक कर रहे हैं वो आई है हमारे पास आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ सिचुएशन क्या बोलती है मैं खुद को मुझे मालूम है मैं डिलीवरी कराती हूं कि एक लेडी को उस समय डिलीवरी के टाइम पर क्या क्या होता है या झेलना पड़ता है पर डॉक्टर साहब पर मुझे डॉक्टर साहब नहीं कहा मेरे को कहा सर सर मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना सब कुछ जानते हुए मेरे में इसका दिमाग पर क्यों असर पड़ रहा है मैंने कहा क्या क्या असर पड़ रहा है एंजाइटी होती है कि... मैंने कहा ये एंजाइटी क्या होती है आप नहीं जानते मैंने कहा नहीं मैं नहीं जानता क्या फील करती है क्योंकि एक बात याद रखिए होम्योपैथ हमेशा धोखा खाता है अंग्रेज बाबू अपने लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी खुद यूज करते हैं या तो गूगल से देख के आते हैं या वैसे कुछ दिमाग में होता है डायरिया को डायरिया ना समझ के कॉन्स्टिपेशन यूज करते हैं मैंने पूछा ये एंजाइटी क्या होती है आप नहीं जानते मैंने, मैंने नहीं सुना तो मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्करा रहा था ये अचानक धड़कन सी और घबराहट सी होती है मेरी पल्पिटेशन बढ़ जाती है और पसीने आ जाते हैं कई बार तो। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। घबराहट होती है क्यों होती है अब मैं क्या बताऊं अरे मैंने कहा आप तो गायनोकोलोजिस्ट है डॉक्टर है तो आपको तो सब पता होगा डॉक्टर साहब ये अक्सर प्राइमी ग्रेविडा वालों को और हार्मोनल चेंजेस दूसरा ये कुछ भी सीन सामने आता है तो खुद को महसूस होता है कहीं मेरे साथ ना हो जाए मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि लेडी आपका एक्सपीरियंस रहा होगा But अब आपका टर्म टर्न है अब आपको वो पिछली वो सामने चीजें दिखाई दे रही हैं वो डरा रही हैं हाँ ये कही आप नेक्स्ट अल दो माई फैमिली ट्राइंग हार्ड टू कंसोल मी बट आई एम नॉट एबल टू कोप अप नेक्स्ट हो गई सारी बात इतनी देर बैठ करके चाय बनाऊं आपके लिए मैं लाती हूँ बैठिए आप बैठिए मैंने कहा बेटा आप चलेंगे रात का टाइम भूख लगी है खाना खाएंगे और मैं आगे बढ़ने लगा इतने में सब उनके पापा ने मम्मी ने बताई दिया मैंने उतना सब पूछा ये लड़की एंजाइटी नेचर की है क्या ये बाबा ये पीछे लग जाए जब तक इसका दिमाग चलता रहता है बहुत समझाते हैं है क्योंकि बाय प्रोफेशन सॉफ्ट स्पोकन सेंसिटिव क्यों है सेंसिटिव कुछ भी कहो डांट दो बुरा मान जाती है बिकॉज शी इज दिंगल चाइल्ड विच पेम्पर चाइल्ड इतना पेम्पर किया गया है बच्चे को कि आज इतनी बड़ी हो गई डॉक्टरनी हो गई उसके बावजूद भी ऑलवेज नीड द श्योर एंड सपोर्ट मम्मी मम्मी ये चीज हुई है मैं क्या करूं फोन पे दस बार दिन में फोन आते हैं उसके नेक्स्ट ओ अब मेरे गुरुजी जी दो बैठे होंगे वो पूछेंगे क्या दिया अब एंजाइटी के लिए एंटीसीपेटरी एंजाइटी है फर्स्ट मेडिसिन है अर्जेंट जेलसीमियम और वैसे कॉमन एंजाइटी है तो उसमें चौदह पंद्रह मेडिसिन थी मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूं मैं सोचूंगा कल दवाई बनाते हुए आपको दे जाऊंगा सर एस एम सिंह सर जी मैंने पल्स टीला दी सिक्स में स्टूडेंट्स जितने बैठे हैं या इंटर्न्स जो बैठे हैं हरे के दिमाग में एक बहम बैठा हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर पल सटीला देने से अबॉर्ड हो जाता है ये मिथ नहीं है हकीकत है पर कब तक तो आप पढ़ेंगे एक सर्टेन पीरियड तक पल सटीला नहीं देनी चाहिए लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड है तो मेडिसिन पोटेंसी और लोअर डोजेस के अंदर देकर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है ये इतना कंट्राडिक्ट नहीं है इफ इट इज रिक्वायर्ड इफ इट इज सूट्स मैंने दो डोज दे ली तीन दिन एक डोज दे ली पांच दिन देन वंस वीक टिल डिलीवरी ऐसा कुछ मानते हैं कि पहली डिलीवरी मां बाप के घर होनी चाहिए नेक्स्ट अरे अब मैं चला हूं मैं नीचे सीढ़ी की तरफ गया हूं तो वहां से फिर भागती हुई आई अंकल अंकल मैंने कहा बोली वैन अगर लेबर पेन डिले हो जाए तो वो ये सवाल पूछने का मतलब देखिए कि उसकी एंजाइटी कितनी है कॉन्ट्रेक्शन पुअर रहे तो मैं समझ गया मैंने कहा नहीं होंगे बेटा मैं दवाई वो भी भेज दूंगा अलग से होगी जब जरूरत हो तो ले लेना चिंता मत कर बाय और मैं सीधा बाहर आ गया क्योंकि मैं जानता था जितनी देर खड़ा रहूंगा उतनी देर कोई ना कोई सवाल दूसरा चालू हो जाए पल सटीला वाला पेशेंट हमेशा कम नहीं बोलता है एग्जरेट करते हुए पूछता है कई सवाल पूछते हैं गुरुदेव मैं सही कह रहा हूं ना आप भी भुगत भोगी होंगे नेक्स्ट विथ ग्रेस ऑफ गॉड होम्योपैथी हेल्प ब्लेस्ड विथ एन एंजल without any problem and coloophylum was not needed. Jai ho, Jai ho homeopathy ki Jai ho. Next second case ye anxiety ka case tha anticipatory. ये acute depression का है. Depression में भी कई type होते हैं. उसमें से acute लिया है. सर अगर मेरा टाइम खत्म हो रहा हो तो मुझे पांच मिनट पहले घंटी कर दीजिएगा ए यंग गर्ल ऑफ ट्वेंटी फोर ईयर्स एज पर स्विंग एम फार्मा फ्रॉम चंडीगढ़ सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डिप्रेशन फ्रॉम लास्ट टेन डेज एज दे एक्सप्लेन अंडर ट्रीटमेंट फाइव डेज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिलीफ वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड टू देम अरे यार तुम लोग होम्योपैथी की दवाई लो उससे ठीक हो जाएगी अब जो क्लोज रिलेटिव ने दो तीन बार किसी ने कहा तो उन्होंने उसका कहना मान लिया किसको दिखाए तो मेरा नाम आया कि फला है उनको दिखा दीजिएगा अब उन्होंने अप्रोच की और किसी मेरे फ्रेंड का रेफरेंस मेरे को दिया और बाप जी ने यानी पिताजी ने जो बहुत ज्यादा दुखी थे बच्ची के वजह से कहा कि सर मेरे आपसे प्रार्थना है कि घर चल के देखेंगे यहाँ तो आ नहीं पाएंगे अब ये व्यवहारी बनना पड़ता है अकड़ू नहीं बनना पड़ता देखा किसी के मार्फत आए हैं और केस है, रिलीफ है. नहीं हो रहा है इसमें अपना ही नाम होगा होम्योपैथी को तो बढ़ाना है मेरा नाम तो उसके पीछे होगा नेक्स्ट अब हमने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया गोइंग टू देयर होम फादर एक्सप्लेन ये हमेशा कायदे की बात है जब क्रोनिक केस हो और उसके साथ जो उसका अटेंडेंट हो उससे डिटेल मालूम करते चाहो तो पूरा एक फिर आपके पास डाटा रहेंगे बिल्कुल तैयार रेडीमेड क्या सवाल काउंटर करना है क्या पूछना है क्या मॉडर्निटी बाकी रहनी है तो एक पिक्चर दिमाग में बनती है दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री माय डॉटर वाज वॉज इट लास्ट वीक हर रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड वेर इन शी सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन ये तो बहुत अच्छी बात है सेकेंड पोजिशन सर ऐसा नहीं है क्या है थ्रो आउट शी रिमेन टॉपर हाँ तो कोई बात नहीं टॉपर और फर्स्ट में क्या फर्क होगा सेकेंड में क्या फर्क है दिस टाइम टू शी वॉज कॉन्फिडेंट टू बी सेम अरे यार सबको होता है इसमें हो गई तो हो गई क्या बड़ी बात है बट द रिजल्ट वॉज शॉकड फॉर हट रिजल्ट की वजह से इसको शौक लगा है अरे भाई ये तो मान लिया हमने कि फेल होने वाला बच्चा पास हो गया तो खुशी बनानी चाहिए और फेल पास होने वाला बच्चा फेल हो जाए तो दुखी होना चाहिए ये तो फर्स्ट की जगह सेकंड आया तो इसमें क्या बुराई है But she took it seriously. Next. Since very that day, she went into depressive state. She stopped doing everything. Isolated herself in her room. Even switched off mobile phone. Next. This we came to know from her बैच मैट मेरा सवाल था उनसे सराजी ये आपको पता कैसे लगा कि ये सेकंड आई है जो तो फोन स्विच ऑफ करके रखा था तो फिर आपको पता कैसे लगा कहते दिस वी केम टू तो नो फ्रॉम हर बैच मैट फ्रेंड और हम एकदम से फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए और वहां जाके उसकी कंडीशन को देखा तो आके भर गई बहुत जीत पड़ है क्या करें हमने इधर उधर बच्चों से बात की और ड्यूरिंग द एग्जाम्स बताया कि हर बिहेवियर वॉज चेंज देखिए मैंने आपसे कहा कि ऑन सेट और एक्सप्रेशन ऑन सेट कैसे हुआ सडन हुआ या ग्रेजुअल हुआ ये शेड्स आ रही हैं सामने एक्सप्रेशन के शेड्स आ रही हैं

पर ये तो मेरे पापा जी उनके पापा जी मेरे साथ चल रहे हैं आगे बढ़े तो जो कुछ उन्होंने कहा मैंने नोट कर लिया फ्रेंड्स फर्दर टोल्ड वो बता रहे सरदार जी उन्होंने फिर आगे बताया कि देर वर गोपिंग गोइंग ऑन बिटवीन द गर्ल्स कॉलेज के अंदर ग्रुप में बैठ के हंसी मजाक करते हैं कैंटीन में कॉर्नर के अंदर चाय पानी हंसी मजाक अरे वो फला के साथ है वो फला के साथ घूम रहा है उसके साथ ये हुआ यानी कुछ न कुछ चलता रहता है इट बी आउटफुल फॉर हर दिस टाइम टू मेंटेन द फर्स्ट पोजिशन बिकॉज अ न्यू डायरेक्टर्स डॉटर Who was also in the same batch will get the favor and top the examination or may top the examination. Patient took it seriously. जब से उसको पता लगा है या उसने सुना है वो बिल्कुल उसके सीरियस हो गई और अपनी स्टडीज़ में लग गई. Next, unfortunately, it happened so. और उन बच्चियों ने कहा कि जो स, स, नहीं होना चाहिए था वो हो गया एंड रिजल्ट कंफर्म रूमर्स गर्ल टॉप द एग्जाम कौन सी गर्ल दैट गर्ल दैट गर्ल मिस जो फर्स्ट आई पेशेंट रिएक्टेड लाउडली नो नो एम चीटेड

पेशेंट के रूम में एंटर हो गए देखा चुपचाप शांत मुरझाया हुआ चेहरा बेटा क्या हुआ क्या महसूस कर रही हो नो रिप्लाई बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको क्या महसूस हो रहा है मैं बेड के पास में बैठ गया औरी वहन आई आस्ट अगेन शी शीरित टोन सेड शी सेड आई एम फाइन नथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी और कब डकेप सर डकेप सो गए सो गई का मतलब आके बंद कर ली या मुंह बंद कर लिया अब मैं ब्लड प्रेशर लूं तो कैसे लू पल्स देखूं तो कैसे लू लास्टली शी नॉट कोऑपरेटेड अब कितनी देर बैठे बाहर आ गए नेक्स्ट अब घर में दूसरे कमरे में बैठ करके खड़े होकर के पेरेंट्स से पूछा भाई ये तो बड़ी मुसीबत है जवाब तो दे नहीं रही है कर नहीं रही है कि सर वो जो दवाइयां दी है ना एलोपैथिक उससे इसको घेल चढ़ी रहती है अरे तो घेल चढ़ी रहती है तो इरिटेट थोड़ी होती है उससे पेशेंट एज अ पर्सन बताया मैंने कहा कि आप सब छोड़ दो मुझे उसके बताओ कि वो बच्ची कैसी है अरे बहुत अच्छी बच्ची है कौन अपने माँ बाप बच्ची को करता है She she said is very simple. आज के माहौल के हिसाब से बॉर्ड नहीं रहती studious स्टूडियस किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है कि हाँ सोशल फंक्शन जो होते हैं उसमें आती जाती है हमारे साथ चलती हैचर है Helping nature, कि घर में कोई भी बीमार हो उसकी केयर करती है कान टॉलरेट इन जस्टिस हो यानी ये अनजस्टिस क्या होता है गलत बात पर यह अड़ जाएगी गलत बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती ये बेरी लैंग्वेज है कॉन्टॉलरेट अनजस्टिस लेकिन पंजाबी टोन में उन्होंने कहा लेकिन इसको कोई गलत बात लगे तो मुंह के सामने टोक देती है और उसको बर्दाश्त नहीं करती चाहे इसका भाई हो चाहे माँ हो चाहे कोई भी मैंने लिख दिया कांठ और, और तो क्या बताओ ये जो गुरुद्वार मंदिर सा बना हुआ है इसमें वो बैठ के पूजा वगैरह करती के हाँ डेली गुरुवाणी का पाठ करती है सुखमणि पढ़ते हैं पंजाबी फैमिली इसके अंदर एंड ऑफ एंड गुरुद्वारा कभी गुरुद्वारे में भी जाती है वहां सेवा करती है अब मुझे बाद में पता लगा सेवा करने का मतलब लंगर के अंदर भोजन कराना बहुत अच्छी बात है बस बंद करके वो मुझे छोड़ गए मैंने कहा अब दवाई मंगवा लीजिए और कोर ऑफ द केस क्या निकला इसमें से मैं उन बच्चों से को पूछ रहा हूं कि मैंने इत, आप लोग जो पूछते हैं उसमें से क्या निकल निकालना है ये क्या मालूम करना है एलिमेंट्स कॉज एलिमेंट फ्रॉम अनजस्टिस अब हुआ भी है या नहीं हुआ ये कैसे पता है गलत कि जगह सही भी हुआ है और गलत भी हुआ होगा बट उसको एलिमेंट्स फ्रॉम अनजस्टिस डिसअपॉइंटमेंट मैं सेकंड आई मैं फर्स्ट नहीं आई यानी ईगो फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन कैसे फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन ये लोग मेरे लिए क्या कहते होंगे जब सामने से आप बीच में से गुजरते हो अपने सुख में आप ह्यूमिलिएट फील कर रहे हो दूसरा कहे चाहे नहीं कहे वो देखता भी है आपको लगता है कि मेरी तरफ देख रहा है और सबसे बड़ी मजेदार बात सप्रेस्ड इमोशन है ग्लूमी है वाइट है चुपचाप पड़ी है डा रही है न खा रही है न और सब लास्ट में जो एक कहते हैं ना सबसे बड़ा ताकत वाला बम वो बम था साइलेंट एंगर नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ मैं बिल्कुल ठीक हूं और यही उनके बच्चों के फ्रेंड ने उनके पापा को बताया था जो पापा ने मुझे घर पे गाड़ी में बताया कि वो इरिटेड नेचर की हो गई थी मैं आपका पांच मिनट पहले याद दिला देने को नेक्स्ट सर पांच मिनट पहले याद दिलाने को अभी पांच मिनट बाकी हैं तो फिर आगे चले नहीं तो बंद करें सर फाइव मिनट्स रिमेनिंग है सर फाइव मिनट्स रिमेनिंग है मैं केस पूरा कर लूं मेडिसिन वॉज प्रिस्क्राइब स्टेफिस अब आप मेरे से ये जानना चाहेंगे वो तो सिंपल केस था टोटलिटी पे चले गए इसमें स्टेफिस का क्या रोल था पीछे चलिए Element from फ्रॉम अनजस्टिस और दूसरा क्या है पहले याद दिलाने को कहा था सर डॉक्टर दरियानी सर सर yes, आपने याद दिलाने को कहा था आ, समय हो चुका है केवल तीन मिनट बचा है ठीक है सर मैं खत्म कर रहा हूँ मैं दूसरा केस नहीं ले रहा हूँ Medicine prescribed is agria two doses every fifteen minutes and placebo four doses daily for three days. Next, after three days follow up on video call, she was looking comparatively and relaxed. Bo सी हो ठीक हूँ टोन कब धीरे है लेकिन बोल रही है ठीक हूं प्लेसिविन अगेन फॉर टेन डेज और मैंने उनके पापा से कहा कि इसको वेकेशन पे बाहर ले जाओ या गुरुद्वारे साहब ले जाओ अमृतसर बच्चा टीका और उसका चेंज हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा और जब कभी कोई जरूरत हो तो फिर मिल लेना जय मैं आगे नहीं बढ़ रहा अब एक बड़ा खतरनाक केस है जो क्रॉनिक है डिप्रेसिव विद सुसाइडल टेंडेंसी देना चाहता था लेकिन नहीं दूंगा आपके आगे हो गए मैं इन... अपने वो यही समाप्त कर रहा हूँ और गुरुदेव से आगे चाह रहा जो आपको मुझे पास करना है या फेल करना है या जो आपकी मर्जी हो वो मुझे पास दे। सर, किसी किसी को ये हिम्मत नहीं है आपको फेल करने करने का का। पास मैं नहीं मेरे बड़े गुरु जी बैठे हैं ऊपर वो सामने देख रहे हैं देखिए कितनी सारी किताबें रखी हुई हैं पीछे सर किसी को यह हिम्मत नहीं है कि आपको फेल कर दे या पास सर, कर दे और समय हम लोग का हो चुका है एक मिनट बचा है मैं चाहूंगा क्लोज कर दिया सर मेरे समाप्त कर, कर, कर दिया मेरे कट बोलें हां हम लोग को एक एस एम सिंह सर कुछ बोल करके इसको कंक्लूड करें डॉक्टर एस एम सिंह आप प्रेजेंट हैं सर हाँ, कैन सी हियर प्रोफेसर डॉक्टर सर को म्यूट कर रखा है सर सर खोल दिया सर अभी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आवाज आ रही है हरियाणा साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी हमारे पास मात्र योर एक्सपीरियंस आप जो आपका एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ आप बोल रहे थे तो कहीं पलसे ठिला से कमाल कर दिया और कहीं आपने हल्के से वो बातें पकड़ ली जो 210 से लेके 230 तक आर्गन ऑफ मेडिसिन में मेंटल डिजीजेस का आया इमोशनल डिजीजेस को आपने टच कर लिया जो कि 39 पेज पे, पे कंट्री पार्टी में इमोशनल डिजीजेस को कह दिया ब्रैकेट में एक्साइटमेंट देखिए वंडरफुल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेफिस एग्रिया एंड सेकंड लाइन ऑफ द स्टेफिस एग्रिया इन एर्थ एडिशन जहाँ पर कि जो तो डिस्प्लेजर क्या कर रहे हैं कह रहे हैं एलमेंट्स फ्रॉम द रिजर्व डिस्प्लेजर और बहुत बढ़िया आपने प्रिस्क्रिप्शन किया थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू सर थैंक सर अब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे थैंक यू सर और नेहा कक्कर जी सेशन को क्लोज करेंगे हाँ जी सर काफी सारे थैंक्स आई हैं डॉक्टर सुभाष चौधरी सुभाष चौधरी एनआईएच अनम्यूट करिए ये मैसेज है मेरे पास वो कुछ बोलना चाहते है एक मिनट मिन, मिन, प्लीज सुन लीजिए ओके, ओके सर ओके मैम आप तो बहुत अच्छे हैं <laughs> हाँ बोले अनम्यूट करिए डॉक्टर सुभाष चौधरी एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली सर अनम्यूटेड है एनआईएच दिल्ली हां जी सर अनम्यूटेड है जो कंसर्न पर्सन है वो बोल सकते हैं बोल सकते सर, हैं। हैं। हैं आप बोल सकते सकते हैं सर, हैं डॉक्टर साहब आप सर नमस्कार सर सर नमस्कार सर नमस्कार सर, सर आप देख सकेंगे हमारा पूरा एनआईएच का पीजीटी यहाँ बैठा हुआ है सर आप अगर देख सकेंगे देख लीजिए एनआईएच दिल्ली का सर पूरा पीजीटी है आपको विश कर रहे हैं सर सर आपने देखा सर यहाँ पर सर हमारा पूरा सेशन चल रहा है पूरा पिजीस का ही देखे अब मैं आपके आऊंगा <laughs> तो सर बस ये कन्वे करना था कि सबने बहुत लर्न किया खुद खुद पूछ सकते हैं सर आप इनसे इनको क्या समझ में आया और बताइए कैसा लगा नहीं अब आप मुझे फीडबैक दे का डॉक्टर साहब को वो मुझे बता देंगे क्योंकि अभी टाइम नेक्स्ट सर बस ये बस ये दिखाना चाहते थे आपका आपके सेशन से बहुत लोगों को फायदा हुआ बहुत स्टूडेंट्स पीजी स्टूडेंट्स हमारे उन्होंने लर्न किया आज और थैंक यू वेरी मच सर ओके तो आ, इसमें चैट बॉक्स में भी काफी लोगों ने हेलो चैट बॉक्स में काफी लोगों ने अप्रिसिएशन पोस्ट करी है सर चैट बॉक्स में सर देख सकते हैं और आपके सर जो भी आ, सर नरयानी सर ने हमारे को आज इनसाइट्स दी वो बहुत ही नॉलेजेबल और आ, वो रहता है और आगे भी हम आशा करते हैं सर से हमें इस तरह का नॉलेज शेयरिंग सेशन मिलता रहेगा तो अभी हमारे सेशन का टाइम हो गया है टाइम की लिमिटेशन है तो हम अब अपने इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर अजनी जी को हैंड करती हूँ मैं थैंक यू